नमस्कार दोस्तों। तरह तरह की खीर में से ही एक है मिक्स वेजिटेबल खीर, जो हम बनाएंगे लौकी, कद्दू और गाजर की मदद से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ली है 250 ग्राम लौकी, मैंने गोल लौकी ली है। आप वो जो लंबी वाली रेगुलर आते हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही में मैंने लिया है 250 ग्राम कद्दू, जिसके बीज वगैरह मैंने निकाल दिए हैं और धोकर इसको साफ भी कर लिया है। साथ ही में ली है 250 ग्राम ही गाजर, उसके भी मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तीनों चीजों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दू के मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, अगर आप चाहें तो छिलके उतार दें, वरना इसके छिलके भी बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही में गाजर और लौकी भी कद्दूकस हो चुकी है। अब मैंने रख दिया है एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना घी गर्म होने के लिए, और उसमें हमने जो कद्दूकस की हुई सब्जियां, गाजर, कद्दू और लौकी रखी है, उन सभी को हम डाल देंगे। आंच को रखेंगे इस वक्त हम बिल्कुल मीडियम, और इसको अच्छी तरह से एक बार घी में सेक लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर घी में सेकने के बाद अब हम आंच को कर देंगे बिल्कुल कम, और इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और मीडियम आंच करके हम पकने देंगे 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट तक ढककर पकाने से, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे ये जो सब्जियां हैं कद्दूकस की हुई, वो सभी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, जिस तरह की एक खीर में होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 500 ml दूध। दूध डालने के सिवा हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी, यानी कि आपके स्वाद के हिसाब से, चीनी। अच्छे से हिला लेंगे। आंच को अभी भी हम रखेंगे हल्की ही, और इसको आने देंगे अब हम एक उबाल। अब जब तक हमारी खीर उबल रही है, तब तक मैंने लिया है एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर वैनिला फ्लेवर। उसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा दूध, और चम्मच की मदद से हम इसका गट्ठे न रहे इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जितना ऑरेंज फूड कलर। आप अपना मनपसंद कोई भी फूड कलर डाल सकते हो दोस्तों, ये डालना ऑप्शनल है। अगर आपकी मर्जी हो तो ही डालें, वरना आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। बट ऐसा है कि कलर जो है वो डालने के बाद खीर जो है वो दिखने में काफी खूबसूरत लगेगी। कलर को अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और अब ये जो हमारी खीर खोल रही है उसके अंदर हम ये कस्टर्ड और कलर वाला मिश्रण डाल देंगे। अच्छे से इसको हल्की आंच पर एक बार मिक्स कर लेंगे। सारा मिश्रण एक जैसा हो चुका है, खीर की कंसिस्टेंसी वैसी हो चुकी है जैसी कि नॉर्मली खीर की होती है। अब अंत में हम इसमें डालेंगे थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट, आपके पास जो भी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ढककर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए उबलने को बिल्कुल मीडियम आंच पर। लगभग 2-3 मिनट तक हल्की आंच पर उबलने देने के बाद गैस को कर देंगे बंद। खीर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, कुछ नया, बिल्कुल हटके, एकदम अलग। आइए, खाने को तैयार है ये, परोसते हैं इसको हम एक बर्तन में। बिल्कुल हटके टेस्ट वाली नई नवेली रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपके सामने मैंने इसको परोस दिया है गार्निश करके थोड़ी सी किशमिश, टूटी फ्रूटी, बादाम और अंजीर के साथ में। पोषण से भरपूर, जो लोग ये सब्जियां नहीं खाते उनको खिलाने का एक और बहुत ही ज्यादा टेस्टी तरीका। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी आई है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी पसंद आए तो बना लीजिए, खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। बच्चे तो इसको मांग मांग कर खाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये। और तो और डेजर्ट का बेस्ट ऑप्शन है, कोई मेहमान आ जाए तो भी मीठे के रूप में आप इसको दे सकते हैं, तारीफ पक्की है आपकी मिलनी। तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, और हाँ बार बार बोल रही हूँ, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। शुक्रिया।